This Lallantop video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। रविवार 12 दिसंबर की भोर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक हो गया। हैकिंग के बाद उनके अकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी का प्रमोशन करने वाली पोस्ट की गई। हालांकि बाद में इस अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया और वो पोस्ट भी डिलीट कर दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए हैक हुआ। इसकी जानकारी ट्विटर को दी गई और अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया। इस दौरान जो भी ट्वीट शेयर किया गया उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जानते हैं ट्विटर ने इस मामले में क्या कहा। इस पूरे घटनाक्रम पर ट्विटर की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को बताया, हम हमेशा ही पीएम ऑफिस के संपर्क में रहते हैं और जैसे ही हमें हैकिंग की सूचना मिली हमारी टीम ने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। हमारी जांच में सामने आया कि किसी और अकाउंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विटर की जांच में ये भी सामने आया कि उसके किसी आंतरिक डेटा ब्रीच के चलते पीएम मोदी का अकाउंट हैक नहीं हुआ। जांच में ये भी पता चला कि ये हैकिंग पिछले साल हुई हैकिंग से अलग थी, जब एक साथ कई वैश्विक नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे। इस बीच आईटी मंत्रालय के अधिकारी कंप्यूटर रिस्पांस टीम हैकिंग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हैकिंग के बाद पीएम मोदी के अकाउंट से बिटकॉइन को मान्यता देने का ट्वीट पोस्ट किया गया था। हैकर्स ने लिखा, भारत ने आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को मान्यता दे दी है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और उन्हें देश की जनता के बीच बांटा जा रहा है। इस पोस्ट के साथ ट्वीट में एक लिंक भी शेयर किया गया। इससे पहले सितंबर 2020 में पीएम मोदी की वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। इस दौरान भी अकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित पोस्ट ही शेयर किया गया था। हैकर ने खुद को जॉन विक बताया था। फिलहाल पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट रिस्टोर हो चुका है, वो सामान्य ट्वीट करने लगे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और एक दूसरे ट्वीट में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात बताई है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लनटॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?